राधे राधे जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जी, ये वीडियो है संडे का और तारीख थी 14 जुलाई। तो जी, बच्चे सो रहे हैं तो मैंने सोचा आज सबसे पहले जो है ठंडे ठंडे में छत पे झाड़ू लगा दूं। वैसे मैं हफ्ते में एक दिन छत पे झाड़ू लगा ही देती थी, लेकिन बस ये इस बार शायद 15 दिन से ज़्यादा ही हो गए थे। तो फिर उसके बाद जो है गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है, इसलिए अभी मैं बस चाय पी के छत पे ही आ गई थी ताकि जो है ठंडे ठंडे मौसम में ही छत की सफाई हो जाए। अब जो झाड़ू है वो सारे गमले वगैरह हटा के लगानी पड़ती है, क्योंकि सूखी पत्तियां मिट्टी वगैरह इनके नीचे जमा होती रहती है और छत पे भी सारे पे उड़ती रहती है, लेकिन गमलों के आसपास जो है काफ़ी सारा कचरा जमा हो जाता है। तो सारे गमले हटा के मुझे झाड़ू लगानी होती है। तो चलिए, पहले मैं सबसे पहले ये जो एक एक करके सारे गमले हटाती जाऊंगी और इनके नीचे झाड़ू लगाती जाऊंगी। वैसे तो इन गमलों में मुझे खाद भी देना था, काफ़ी दिन हो गए जब ये मैंने मार्च के महीने में शायद से इनमें खाद डाला था। मार्च था या अप्रैल था, मतलब ऐसे ही मौसम था तब, ज़्यादा गर्मी नहीं थी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको फिर से खाद पानी की ज़रूरत है और इनमें जो है घास वगैरह भी ज़्यादा उग रही है। बस थोड़ा टाइम सा नहीं लग पा रहा है, किसी दिन टाइम लगा के मैं इनको भी देखूंगी और इनकी गुड़ाई वगैरह जो है वो करनी है। तो चलिए, फिलहाल मैं छत की जो है सफाई कर लेती हूँ, तो इतना हो जाए वही काफ़ी है, क्योंकि फिर एक बार बच्चे उठ जाएंगे उसके बाद तो बस काम करना मुश्किल हो जाता है, फिर तो उनकी डिमांडें ही नहीं ख़त्म होती। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो घर के अंदर का नीचे वाला काम है वो तो बाद में भी होता रहेगा, पहले जो है मैं छत पे झाड़ू लगा देती हूँ। Aquilo que sinto quando eu te vi nesse dia cair era óbvio. Olhando agora, te veste sempre em frente de mim. E até que enfim, quem diria que o mundo ia estar aos meus pés? Chegar aqui, não sei, mas rezei que dia alguém me amasse. तो जी, इस टाइम तो हवा भी नहीं चल रही है, इसलिए झाड़ू जो है अच्छे से लग रहा है, नहीं तो 7 बजे के बाद हवा चलनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम चाह के भी झाड़ू नहीं लगा सकते, फिर वो जो है कचरा उड़ उड़ के हमारी तरफ ही आता है और समझ भी नहीं आती कि हवा किस डायरेक्शन में चल रही है। इस तरफ से झाड़ू लगाओ तो कचरा हमारी तरफ ही उड़ के आएगा, दूसरी तरफ जाती हूँ कि चलो उस तरफ कचरा नहीं आएगा तो वहाँ भी उड़ने लगता है, मतलब समझ नहीं आता। खैर, अभी जैसे 7 बजने वाले थे, थोड़ी थोड़ी हवा चलनी शुरू हो गई थी, तो मैंने सोचा बस फटाफट से जो मोटा मोटा कचरा था, जो पत्तियाँ वगैरह थी, वो मैंने भर के फेंक दी हैं। उसके बाद बस धूल धाल सी थोड़ी बहुत रह गई थी छत पर। तो अब देखिए, आधी छत पर तो लगभग झाड़ू लग चुका है, मतलब जो भारी काम था सारे गमले हटा के झाड़ू लगाने वाला वो हो गया था, आधी छत रह गई थी। तो बस उस पर भी मैं फटाफट से झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि हवा चलनी शुरू हो गई है। आप झंडा देख सकते हैं, हल्का हल्का हिल रहा है। अभी बस ऐसे ही जो है हवा की स्पीड बढ़ती जाएगी और फिर मतलब इतनी तेज हवा शुरू हो जाती है कि आप मतलब बिल्कुल झाड़ू लग ही नहीं सकता। Aquilo que sinto quando eu te vi nesse dia cair era óbvio. तो जी, छत पे झाड़ू लगाने के बाद मुझे धोने थे कपड़े। कपड़े क्या मतलब, ये बेडशीट और कंबल वगैरह थे जो डेली में यूज होते हैं।
तो बस मशीन, वैसे तो मैं ना मशीन में ही धोती थी, लेकिन अब जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, मेरी मशीन हो रही है खराब, तो अभी ये मुझे हाथ से ही धोने पड़ते हैं। तो अब ये नया पाइप जो है काफी लंबा आ गया है, तो छत पे जहाँ पे पाइप जा रहा है वहां तक ये आसानी से आ जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना छत पे ही मैं धो दूं। अब नीचे वैसे तो बाथरूम में भी धुल जाते ये, लेकिन बाथरूम में बस जब इतना पानी फैलता है तो कई बार पानी बाहर की तरफ भी आ जाता है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब छत पे जो है खुले में अच्छे से ये धुल जाएंगे। तो बस मैं, और अभी धूप भी नहीं थी, तो बस छत पे ही मैंने लेके आ गई थी। बाकी जो पहनने वाले कपड़े थे वो सारे नीचे ही थे, उन्हें तो जो है मैं नहाते टाइम ही धो के डाल दूंगी। बस ये बेडशीट वगैरह मैं अपने साथ ले आई थी, और बच्चे भी मैं देख के आई थी, वो अभी सो रहे थे। तो बस जी, ताजा पानी चल ही रहा है, और फटाफट से मैं ये सारे कपड़े धो के डाल दूंगी। Aquilo que sinto quando eu te vi nesse dia cair era óbvio. तो जी, ये जो पतली चादरें हैं इनको तो मैं रस्सी के ऊपर टांग दूंगी ताकि इनका पानी जो है निचोड़ जाएगा। अब आप देखिए झंडा कितनी तेज हवा चलनी शुरू हो गई है। और तो देखिए, बस ये बेडशीट वगैरह ही धोऊंगी। मुझे नीचे से बच्चों की आवाज़ आने लग गई थी, मुझे लग रहा था कि वो उठ गए थे, तो फटाफट से जल्दी जल्दी इन कपड़ों को निचोड़ूंगी। और जो मोटी वाली बेडशीटें हैं उनको मैं ऐसे ही टांग दूंगी, उनको मैं फैलाऊंगी बाद में, क्योंकि उनमें से जो है पानी मतलब वो भारी हो जाती हैं, तो मेरे से सच बताऊँ तो उठती भी नहीं है। तो जितना भी पानी मेरे से निचोड़ेगा उनका, निचोड़ के उनको ऐसे ही मैं टांग दूंगी, और फिर मैं जाऊंगी नीचे, मैं बच्चों को देखूंगी। तो जी, ये कपड़े तो धुल ही गए हैं, मतलब अभी जो मोटी वाले ब्लैंकेट टाइप के हैं वो पड़े हुए हैं अभी पानी में, उनमें से पानी निकालना है। बेडशीट मैंने धो दी है। अब आप देख सकते हैं कितनी धूप आ गई है, देखिए परछाइयां बिल्कुल साफ दिख रही है, और हवा भी तेज हो गई थी। तो बस जी, 8:15 का लगभग टाइम होगा और धूप जो है आनी शुरू हो गई थी। हालांकि जिस कोने में मैं ये कपड़े धो रही हूँ वहां पे 9:30-10 बजे के बाद ही धूप आनी शुरू होती है। तो ये है कि मतलब ठीक है, मैं सर्दियों में भी छत पे ही कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, तो सर्दियों में तो धूप भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, और अच्छा ही लगता है कि धूप में काम हो जाता है। तो जी, बस ये जो मोटे कंबल हैं ये भी मैं पानी में निकाल के, और इनको ये जो मैंने चारपाई बिछा रखी है इन पे टांग दूंगी। तो 1-1.5 घंटे बाद मैं इनको फैलाऊंगी ताकि जो इनका एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निचुड़ जाएगा। नहीं तो जो है ये भारी इतनी होती हैं कि फिर इनके वजन से जो रस्सियां बंधी हुई हैं वो भी नीचे लटकने लग जाती हैं। और जी, बस पानी के भी जाने का टाइम हो रहा है, 8:30 बजे तक ही पानी चलता है, तो मुझे बस यहाँ पे ये लग रहा था कि पानी जो है कभी भी जा सकता है। तो मैं बस जहाँ पे फटाफट से सारे कपड़े, मुझे ये हो रहा था कि पानी जाए उससे पहले ही मैं ना धो दूं, नहीं तो फिर जो है टंकी में से पानी लेना पड़ता और फिर वो कम कम आता है। और इस तरह जो बेडशीट कंबल वगैरह धोने होते हैं तो वो तो वही खुले पानी में ही अच्छे से साफ होते हैं। तो खैर, बस करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। यही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग, जिसमें मैंने आपको छत की क्लीनिंग दिखाई है और ये थोड़े से कपड़े धोए हैं। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। Não é lógico.